तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बताने वाला हूं माइनक्राफ्ट के टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक, जिसे सुनके आपकी दिन बन जाएगा, इस बार कुछ नहीं फटेगा। हमारा पहला जो ट्रिक है वो है अंडर वाटर ब्रीदिंग का। ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला ट्रिक सबसे ज्यादा तब काम आता है जब आप ओशन मॉन्यूमेंट को लूटने जाते हो। तो गाइस, आप में से कुछ लोगों को पता होगा अंडर वाटर ब्रीदिंग वाला जो ट्रिक है, ये ट्रिक जोर के साथ और करता है। हाँ, करता तो है, मगर ये सिर्फ जाबा एडिशन में काम करता है, पॉकेट एडिशन में काम नहीं करता। बेडरॉक का मेरे को पता नहीं। आप लोग इधर देख सकते हो, इधर माइनक्राफ्ट में जितने भी डोर है सारे के सारे लगाए हुआ है, मगर एक में भी जो अंडर वाटर ब्रीदिंग वाला ट्रिक है वो ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। ओशन मॉन्यूमेंट के ब्लॉक्स को खोदने के बाद आप लोगों को इधर जो एयर दिख रहा है, ये वाला कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, असल में इधर वर्क भी नहीं करता, मैंने ट्राई करके देख लिया है। तो हमारा मेन जो ट्रिक है, ये वाला ट्रिक हर एडिशन में काम करता है, और ये वाला ट्रिक का वर्क करवाने के लिए हमें चाहिए सोल सैंड या फिर मैग्मा ब्लॉक। तो अंडर वाटर जब भी आपका सांस खत्म होने लगे, तभी आप लोगों को लगाना है क्या मैग्मा ब्लॉक, और मैग्मा ब्लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाना है। चढ़ने के बाद आप लोगों को बैठने वाला बटन यानी क्राउच वाला जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है, अदरवाइज आप मर जाओगे। और अगर आप इधर मैग्मा ब्लॉक की जगह सोल सैंड लगाते हो तो आप एकदम ऊपर की तरफ चले जाओगे, और ऊपर अगर कुछ नहीं होगा तो आप एकदम ओशन के ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग मैग्मा ब्लॉक ही लगाओ। मैग्मा ब्लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर जाके क्राउच वाला बटन प्रेस करके रखो, और सांस फुल होने के बाद आप अपना लूट शुरू कर दो। तो गाइस, हमारा दूसरा जो ट्रिक है वो है ट्रैश बॉक्स का। आप में से बहुत लोग ये वाला ट्रिक को इस्तेमाल करते होंगे। एक ब्लॉक को खोद के उसके अंदर लावा रख के जो सामान आपको नहीं चाहिए उसको उसके अंदर फेंक देना है, मगर कभी कभी क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट आइटम भी चला जाता है, लाइक मेरा ये डायमंड पिकेक्स चला गया और एक कभी नहीं मिलेगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग ये वाला ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों को एक गड्ढा खोदना है और उसके ऊपर में लगाना है आप लोगों को एक ट्रैप। तो अभी अगर आप लोगों को किसी चीज को फेंकना है तो पहले आप लोगों को ट्रैप डोर को ओपन करना है, उसके बाद जो जो चीजें नहीं चाहिए उसके अंदर आप लोगों को फेंक देना है। और अभी अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट आइटम चला जाता है तो आप फिर से जाके लेके आ सकते हो। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर जाने के साथ साथ जो जो चीजें फेंका है वो फिर से वापस चलाएगा, मगर नहीं आएगा। ट्रैप डोर को बंद करने के साथ साथ ये चीजें आपके पास फिर से वापस नहीं आएगा, और कुछ टाइम के बाद जो चीजें आपने फेंका है वो अपने आप ही डिस्पॉन हो जाएगा। तो हमारा टिप नंबर 3 जो की है वो भी ट्रैप डोर के ऊपर है। तो इस ट्रिक को यूज करके आप ब्लॉक्स के अंदर रेंगते हुए भी चल सकते हो। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आप लोगों को पहले तो इधर एक ट्रैप डोर लगाना है, उसके बाद आप लोगों को ट्रैप डोर को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप लोगों को ट्रैप डोर के पास जाना है, उसके बाद ट्रैप डोर को फिर से ओपन कर देना है। करने के साथ साथ ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जावा एडिशन में काम करता है, पॉकेट एडिशन में काम नहीं करता, और बेडरॉक का मेरे को पता नहीं है। तो क्रॉलिंग वाला ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आप लोगों को इधर 2 ब्लॉक खोद लेना है अंदर की तरह, उसके बाद इधर से 2 ब्लॉक ऊपर लगाना है आप लोगों को पानी। पानी को लगाने के बाद आप लोगों को स्प्रिंट बटन को प्रेस करके जाना है पानी के अंदर, उसके बाद आप देखोगे कि आप जो गड्ढा खोदे थे 2 ब्लॉक के उसके अंदर चले गए हो तैरते हुए, और ऐसे ही करके आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारा टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 जो की है वो है इलाइट्रा का। तो इस ट्रिक को यूज करके आप एक रॉकेट की मदद से ज्यादा दूर उड़ सकते हो। तो नॉर्मली लोग इस तरीके से उड़ता है, सीधा एम करते हैं और रॉकेट फायर करते जाते हैं, मगर इस तरीके से ज्यादा दूर तक कोई जा नहीं पाता। तो एक रॉकेट से ज्यादा दूर उड़ने के लिए आप लोग जब रॉकेट को फायर करोगे तब आप लोगों का जो एम होगा वो कुछ ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ एम करके फायर करने के बाद जब आप थोड़ी देर ऊपर पहुंच जाओगे उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे की एम करना है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर जाने के बाद फिर से आप लोगों को ऊपर जाना है, उसके बाद फिर से आप लोगों को नीचे जाना है। ऐसे ही करके ऊपर नीचे जिगजैग पैटर्न में आप लोगों को चलते जाना है, तो आप लोग सबसे ज्यादा दूर जा पाओगे एक रॉकेट की मदद से। तो इधर देखो, इधर मैं सीधा एम करके रॉकेट को फायर किया था, तब मैं इधर जो गोल्ड ब्लॉक देख सकते हो इधर तक पहुंच पाया था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब मैं जिगजैग पैटर्न को यूज करके रॉकेट को फायर किया था तब किधर तक पहुंच पाया था। इधर जो सामने जो डायमंड ब्लॉक देख सकते हो ना, इधर मैं जिगजैग पैटर्न को यूज करके उड़ के इधर तक पहुंच पाया था। गोल्ड ब्लॉक से बहुत ही दूर है भाई सब। सो इलाइटरों को यूज करने के टाइम पे सीधा जाने की बजाय आप लोग ऊपर नीचे जिगजैग पैटर्न को यूज करके जाओगे तो एक रॉकेट की मदद से बहुत ही दूर तक आप पहुंच पाओगे। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारा टिप नंबर 5 की। तो टिप नंबर 5 जो की है वो है डिजाइनिंग एनिमल फार्म बनाने का। तो आप लोग इधर देख सकते हो, एक ब्लॉक के स्टार्स होने के बाद भी कोई भी जो एनिमल है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कारपेट है, इस कारपेट के नीचे है हनी ब्लॉक, और आप लोगों को पता होगा हनी ब्लॉक के ऊपर कोई भी मॉब या फिर कोई भी एनिमल जो की है जंप नहीं कर सकता ज्यादा दूर तक। तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप बेसिकली एक डिजाइनिंग मॉब फार्म एनिमल फार्म बना सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो जाते जाते हनी ब्लॉक के और एक टिप्स बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, आप अगर हनी ब्लॉक को किसी भी दीवार में लगाओगे ना, तो आप उस हनी ब्लॉक के साइड में जो कि खड़े हो सकते हो। सो गाइस, बस यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में कोई नया गेम के साथ। सो बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे तो कोई करता भी नहीं है। तो बाय।